मोहसिन आवाम हजरत पीर साईं बागारा। एक असां जी मुर्शिद वाहे परवा के जी नाहे, एक वसा जी मुर्शिद वाहे कवसा जी मुर्शिद वाहे है परवा के जी नाहे। भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा, पर जंग में हणता सी बम्मा वसन चाहे गोलू लगल ओते ना हटता सी बम्मा वसन चाहे गोलू लगल। बस भाई अभी गाना बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आवाज आ रही है? आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे। बिस्मिल्लाह, जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई हैं, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई हैं। बाकी ये हमारा एक आइनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हों, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा, तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला सिवाय फौज के, कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं
सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया, उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या कौन सी है ये नहीं नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन उसने ज़मीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है चोर है ना, क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते, तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है, मेरी नज़र में हाँ बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है, गलती किससे नहीं होती, गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता, तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है, अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना, अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए, सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई, 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो, जेलर कहते हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहाँ ना इंसाफ होगा ना इज्जत होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा इंशाल्लाह ताला। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को
बाकी पार्टियों के साथ जे आई हो गई, जमात इस्लामी हो गई और मज़ीद जो भी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। आठ दस महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बच्चा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बायकॉट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बायकॉट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले भी बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा, खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर आफत आजमाइश तकलीफ दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी, आप लोग दूर से आएँ। और दूसरा, ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी।